Why so serious? Naraina Walo, when you got the best gym of Naraina for about 5,000 square feet in your area, don't be so serious. Join your gym or maze kariye. Hey guys, this is Akhil Sachar and welcome to my channel Gymwiki. It's not my channel, it's our channel, it's your channel, it's everybody's channel. आज मैं नारायणा के एक ऐसे जिम में आया हूँ जो नारायणा का सबसे बड़ा जिम है और ये नया खुला है, दो दिन पहले इसकी ओपनिंग हुई है। राइनो जिम के दो वर्जन आते हैं, दो वर्जन मींस कि एक उनका प्राइम वर्जन आता है और एक उनका क्विक वर्जन आता है। तो ये नारायणा में जो राइनोस है ये उनका क्विक वर्जन है एंड ये उनका कॉर्पोरेट ऑफिस भी है जहाँ पे अगर आपको फ्रेंचाइजी के लिए बात करनी हो और राइनोस खोलना है। फ्रेंचाइजी खोलना बहुत ईजी होता है क्योंकि सारे काम आपको वो करके देते हैं, आपको सिर्फ अपना जिम खोलना है, पैसे लगाने हैं और बस थोड़ा बहुत रॉयल्टी का एक पंगा होता है। बट ठीक है, इस ओके, अगर आपको सारे काम वो करके दे रहे हैं और आपको रॉयल्टी देनी पड़ रही है तो आप इतना टेंशन में नहीं आते हो, आप सारे काम आपको होके मिलते हैं। तो जब मैं घर से निकला था मैंने एक अच्छा जिम एक्सपेक्ट किया था, जब मैं यहाँ पे एंटर हुआ ना तो आई वॉज लाइक वाव, मेरे को जिम में एंटर करके बहुत मज़ा आया। मेरा एक्सपीरियंस द फर्स्ट एक्सपीरियंस, अगर आप बोलते ना फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा होना जिम का, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए इस जिम का कि जब आप जिम के अंदर जाओ ना और आप देखो और आपको पहले एंटर करते ही लाइक कि वाओ मज़ा आ जाएगा। अंदर से आप सोच चुके हो कि आप ये जिम ज्वाइन करोगे, बट ठीक है, मेरे ऐसे लोग होते हैं सोच लेते हैं ये जिम ज्वाइन करेंगे लेकिन ऑब्वियसली प्राइस बार्गेन करते हैं या फिर 10 तरह की बातें करते हैं, कुछ और करते हैं। अब एटमॉस्फेयर वाइज तो ये मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत मज़ा आया। तो सबसे पहले हम इस जिम की जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे जो पर्सनली मुझे सबसे इंटेलिजेंट लगा, जो आज तक किसी जिम ने नहीं करा है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी तक 500 जिम के आसपास घूम चुका हूँ और मुझे हर एक जिम के इंटीरियर्स और उनके हर एक चीज़ों के बारे में पता है। स्टार्टिंग में इन्होंने इतना प्लानिंग के साथ जिम बनाया है और हर एक जगह इन्होंने इतनी अच्छे से यूटिलाइज़ करी है। अगर आप जिम का वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने हर जगह कैसे अच्छे से यूटिलाइज़ करी है। जो यूटिलाइजेशन है वो इन्होंने ना किसी भी जिम में आपको स्टार्टिंग से फ्लोरिंग नहीं दिखेगी, रबर फ्लोरिंग, ठीक है, आपको नॉर्मल फ्लोरिंग दिखेगी, वुडन फ्लोरिंग जो होते वही दिखती है। इन्होंने जिम के अंदर एंटर करते आपको रबर फ्लोरिंग दिखेगी। इन्होंने हर एक पोर्शन में कट्स दिए हुए हैं जहाँ पे इन्होंने अपने इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं। आई मीन दिस गोज कि आप अपनी प्लानिंग कितने अच्छे से करते हो स्टार्टिंग से। अगर आप अपनी प्लानिंग अच्छे से करते हो ना तो आपका जिम जो दिखता है ना वो नीट एंड क्लीन दिखता है। और इन्होंने इतना अच्छे से नीट एंड क्लीन अपना ये जिम बनाया है ना विद द रबर फ्लोर कटिंग्स कि इन्होंने आई वाज सीरियसली अमेज्ड कि पूरे 500 जिम में आज तक किसी के पास ऐसा आइडिया नहीं आया जो इन्होंने ये आइडिया लेके आए हैं। और हाँ, इनके अगर आप नाम सुनोगे राइनोस ठीक है, मुझे अच्छा नाम लगा, बट हैशटैग हॉर्न्सअप, हैशटैग रेस्टरूम्स, हैशटैग स्ट्रेंथ सेक्शन, हैशटैग कार्डियो सेक्शन, इन्होंने मतलब पूरा आपको फील दे दिया एक जैसे आप हर एक अपनी पिक्चर्स में इंस्टा पे या फेसबुक पे आप हैशटैग 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 डालते हो तो ये हैशटैग वाली फीलिंग आ गई मेरे को यहाँ पे। आई मीन दैट्स यू नो रियली गुड, मुझे काफ़ी पसंद आई वो चीज़। दूसरी सबसे अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लगी, ये जिम 12 बजे तक खुलता है और नारायणा के अंदर ऐसा कोई भी जिम नहीं था जो 12 बजे तक खुलता हो, क्योंकि यहाँ पे सारे जिम 10 बजे के आसपास बंद हो जाते हैं। मे बी 10:30 बजे होता हो, 11 बजे बंद होता हो, लेकिन ये पहला जिम है जो 12 बजे तक बंद होता है। और मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, अगर यहाँ पे क्राउड रहेगा तो ये 1 बजे तक भी खोल सकते हैं। अब 1 बजे तक तो खुलता ही है ये जिम, बट ये 7 डेज ओपन भी है। इतना मुझे पता है कि मोस्ट प्रॉब्ली 10-12 छुट्टियाँ लेके बाकी टाइम भी जिम ओपन रखेंगे, तो अब आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर अब हमारा जिम बंद है और हम नहीं आ सकते, हम वर्कआउट नहीं कर सकते। तो आप आओ, वर्कआउट करो, वर्कआउट करोगे तभी तो आप अपने आप को फिट रखोगे। और अब हम बात करते हैं जिम के एटमॉस्फेयर की और एम्बियंस की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर के अंदर चीज़ें आती हैं, उसके इंटीरियर्स, उसका लुक एंड फील, उसका कि अंदर का क्राउड कैसा है, ठीक है, अंदर का म्यूजिक कैसा है, अंदर की लाइटनिंग कैसी है। तो मैं एक ऐसा इंसान हूँ, अगर ये सारी चीज़ें मुझे एक जिम में अच्छी मिल जाए तो मैं वो जिम ही ज्वाइन करूँगा, ठीक है। और हम सबसे पहले एटमॉस्फेयर में हम बात करते हैं, यहाँ के लाइटनिंग यहाँ की बहुत अच्छी है। अब इसमें एक चीज़ है जो मैं अब मैं रिव्यूज़ दे रहा हूँ तो रिव्यूज़ अच्छे भी होते हैं और रिव्यूज़ बैड भी होते हैं, बट आई एम द वेरी ऑनेस्ट रिव्यूअर, ठीक है। तो मैं आपको इसके बाद अपने कुछ वो भी बताऊंगा कि क्या क्या कमियां भी हैं इसके अंदर जो ये ठीक करने वाले हैं। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो यहाँ की लाइटनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, ठीक है, नॉट मुझे बहुत बेस्ट नहीं लगी, बट हाँ मुझे बहुत अच्छी लगी।
और उसके बाद हम बात करते हैं म्यूजिक की। म्यूजिक, अगर हम म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक ऐसा होना चाहिए जो आपको वर्कआउट के लिए पुश करे और आपको फील गुड एनवायरनमेंट दे, आपको मजा आए वर्कआउट करने में। म्यूजिक किसी भी भाषा में हो सकता है, इंग्लिश में हो, हिंदी में हो, मराठी में हो, हरियाणवी में हो, गुजराती में हो, फ्रेंच में हो, जर्मन में हो, भी लैंग्वेज में म्यूजिक हो सकता है। अगर वो म्यूजिक आपको वर्कआउट करने के लिए पुश कर रहा है और आपको गुड फील गुड एनवायरनमेंट दे रहा है ना, तो वो म्यूजिक अच्छा है। और यहाँ का म्यूजिक मुझे वन ऑफ द बेस्ट म्यूजिक आई हैव एवर हर्ड, ठीक है, तो मुझे यहाँ का म्यूजिक बहुत अच्छा लगा। और अगर हम बात करें इंटीरियर्स की, तो दे डिड फैंटास्टिकली वेरी गुड जॉब, फैंटास्टिक जॉब कि उन्होंने इंटीरियर इतना स्मार्टली बनाया है। मैं ये नहीं बोलूँगा इन्होंने इंटीरियर्स पे बॉम्ब खर्चा है, कुछ जिम ऐसे भी हैं जो इंटीरियर्स में पूरा बॉम्ब खर्चते हैं, बट इंटीरियर्स उनका अच्छा लगता है जो स्मार्टली प्ले करते हैं और इंटेलिजेंटली अपना इंटीरियर प्लान करते हैं और उसको लेके आते हैं। तो इन्होंने ये अपना जिम इतना इंटेलिजेंटली क्रिएट करा है, मेरा मतलब है फ्री ट्रेनिंग जोन, ठीक है, फंक्शनल ट्रेनिंग तो हर वर्कआउट फंक्शनल ट्रेनिंग में ही आता है, एक फ्री ट्रेनिंग जोन जहाँ पे आप कुछ भी वर्कआउट कर सकते हो। तो इन्होंने एक सेपरेटली वो फ्री ट्रेनिंग जोन ऐसा क्रिएट कर दिया है कि जनरली लोग सोचेंगे यार ये कहाँ से निकाल के लिया है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस जिम का। तो हम अगर इक्विपमेंट की बात करें तो इक्विपमेंट यहाँ पे फिटलाइन का है। इस जिम के अंदर इन्होंने जो फिटलाइन की जो सीरीज लगाई है वो बहुत ही बेहतरीन सीरीज लगाई है, बहुत अच्छी सीरीज लगाई है। मैंने यहाँ पे जो एक डेढ़ घंटा जो वर्कआउट किया है, तो मुझे सारे इक्विपमेंट्स के ना और कैलिब्रेशन बहुत अच्छे लगे हैं। यहाँ पे एक नया जिम भी है, तो मैं कह सकता हूँ कि इक्विपमेंट तो नया है तो अच्छा ही होगा, ज़रूरी नहीं है कि नया इक्विपमेंट अच्छा ही हो, बट हाँ यहाँ पे इन्होंने फिटलाइन ने जो भी इक्विपमेंट लगाया वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट लगाया, तो मुझे बहुत मज़ा आया यहाँ के इक्विपमेंट में। जनरली आप हम फिटलाइन के इक्विपमेंट देखेंगे तो बहुत अलग अलग कलर्स में आता है, बट स्पेशली राइनोस के लिए इन्होंने जो कलर थीम जो सिलेक्ट करी है वो सिलेक्ट करी है इन्होंने ब्लू। और थीम की बात करें तो इनके मतलब ब्लूइश थीम ज़्यादा जाती है, और ब्लूइश थीम की अगर देखें तो हम इनका जो शार सेक्शन है वहाँ पे भी ग्रीनिश ब्लू ब्लू थीम, तो ब्लू थीम इन्होंने बहुत अच्छे से निखार के होते, एक होता है कि यार आप ब्लू थीम लगाते हो डल भी हो सकती है अच्छी भी हो सकती है, बट इन्होंने बहुत निखार के लगाई है और इतनी अच्छी तरह से उसको लगाया है ना कि मज़ा आ जाए देख के आपको। अब हम बात करते हैं यहाँ की ट्रेनिंग और ट्रेनर्स की। मेरा स्टे जितना भी रहा, क्योंकि एक दिन में मैं सिर्फ उतना ही बता सकता हूँ कि जितना मैं मीन खुद देख सकूँ और पूछ सकूँ बात कर सकूँ, मैं ये रिव्यू एज अ क्लाइंट करता हूँ, क्योंकि एक क्लाइंट का रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है, न्यूट्रल क्लाइंट का रिव्यू बहुत ज़रूरी होता है, मैं न्यूट्रल रिव्यू देता हूँ। तो मुझे यहाँ के ट्रेनर्स बहुत अच्छे लगे, सर्टिफाइड ट्रेनर्स भी हैं यहाँ के, तो आपको अगर पर्सनल ट्रेनर्स भी यहाँ के अच्छे हैं। ट्रेनिंग पार्ट अगर देखा जाए तो मेरे लिए थम्स अप। अब बात करेंगे यहाँ के मैनेजमेंट की। सबसे पहला एक्सपीरियंस आपका होता है जब आप जिम के अंदर एंटर करते हो, आप उसकी मैनेजमेंट से मिलते हो, मैनेजमेंट ही आपको अच्छा फील ना कराए और अच्छे से बात नहीं करे ना, तो आपको जिम ज्वाइन करने का मज़ा ही नहीं आएगा। अब मोस्ट प्रॉब्ली आप जिम ज्वाइन भी नहीं करोगे, आप देख लोगे कि जिम ज्वाइन नहीं करोगे। मैनेजमेंट बहुत पार्ट प्ले करता है, क्योंकि वही आपको अच्छे से समझाता है, वही आपको अच्छे से दिखाता है, और मैनेजमेंट हमेशा हर जिम का स्माइलिंग फेस लेके चलना चाहिए। और यहाँ के चेंजिंग रूम और शार सेक्शंस मुझे अच्छे लगे, बहुत ही नीट एंड क्लीन है, एंड आई वुड लाइक टू से दिस इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट जिम आई हैव एवर सीन। जिम बहुत क्लीन है ये, आई मीन फ्रॉम द स्टार्ट एंड टिल द एंड, बहुत ही क्लीन जिम है यहाँ। और सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे है कि लॉकर्स के अंदर आपको चार्जिंग स्टेशन दिए हुए हैं, और ऐसा नहीं एक चार्जिंग स्टेशन लगा दिया है, हर दो लॉकर के बाद आपको एक चार्जिंग स्टेशन मिल रहा है। तो अगर आप अपना फ़ोन चार्ज करना चाहते हैं तो आप अपने यहाँ फ़ोन भी चार्ज कर सकते हैं। प्लस कीप दैट माइंड, अगर आप जिम कर रहे हो तो कभी अपना फ़ोन यूज़ मत करो, ठीक है, एक घंटा वर्कआउट करो लेकिन अच्छा करो, फ़ोन मत यूज़ करो, ध्यान दो वर्कआउट करने में, वही एक घंटे का वर्कआउट आपको ना पूरा दिन खुश रखेगा। अब जो आप मेरे पीछे एक फ़ैन देख रहे हो ना, मैं इस फ़ैन के आगे बैठा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये एक फ़ैन है, ये हर एक जिम में होना चाहिए, बिकॉज ये एक क्या होता है कि जब आप वर्कआउट करते हैं ना, आपके अंदर से बॉडी हीट निकलती है, तो इतने लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, इतनी बॉडी हीट निकल रही होती है, तो उस जगह पे ये फ़ैन काम आते हैं जो आपकी हीट को ना आगे पास ऑन कर देते हैं, और
वेंटिलेशन के थ्रू वो हीट आपकी चली जाती है और आपको यू नो ऐसा नहीं लगता कि यार आपको सफोकेशन हो रही है या फिर कुछ गर्मी ज़्यादा हो रही है, और जब गर्मी ज़्यादा भी होती है तो वर्कआउट नहीं होता। तो इस हिसाब से ये एक बहुत अच्छा एडिशन है। तो मैं सब जिम के ओनर्स को बोलूँगा, ये एक फ़ैन है, ठीक है, ऐसे छोटे फ़ैन भी आते हैं, बड़े फ़ैन भी आते हैं, तो अपने जिम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने जगह पे ऐसे फ़ैन लगा सकते हो, और बहुत ज़रूरी है। और फ़ैन ऊपर मत लगाओ, आप या तो सामने लगाओ या नीचे लगाओ। जितनी भी हमारी हीट होती है वो नीचे की साइड होती है, सामने हो, अगर सामने होगी तो हीट आपकी पुश होगी, नीचे से हीट आपकी पुश होगी, ऊपर जाएगी, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, जो आप अच्छा वर्कआउट कर सकते हो। फिर खुला एटमॉस्फेयर लगता है एक, यू नो आपने बीच में देखा होगा, बीच में आपको हवा आती है ना, मज़ा आता है ना, लाइक बीच लाइक एटमॉस्फेयर लगता है आपको, वैसा फील आता है। और ऐसे फ़ैन का एक और भी चीज़ है कि अगर आपके बहुत सारे ACs हैं और आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है और आपको कम AC यूज़ करने हैं, तो इस फ़ैन से क्या होता है कि आपकी जो AC की कूलिंग होती है वो भी फैलती है जगह जगह पर। अगर जब आपकी AC की कूलिंग फैलेगी और कम AC यूज़ होंगे तो आपका बिजली का बिल भी बचेगा, और ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। अब ये मेरा बेस्ट पार्ट है, क्योंकि किसी भी रिव्यू के मैं पैसे नहीं लेता और ये पेड रिव्यू नहीं है, ये मेरा अपना रिव्यू है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि यू नो 500 जिम घूम के मैंने आज तक पेड रिव्यू किसी का नहीं डाला, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो चीज़ें यहाँ पे अच्छी होनी चाहिए। देखो, ख़राब चीज़ किसी जिम में नहीं होती है, कोई जिम खराब नहीं है, हर एक जिम अच्छा है, बट हाँ उनको एक स्मार्टली प्ले करना पड़ता है और अपने जिम को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जो वो अपनी चीज़ें अच्छी कर सकते हैं। पहला जो चीज़ मुझे यहाँ पे लगा, क्योंकि ये एक विंटर सीज़न है, तो कुछ क्लाइंट्स कंप्लेन कर रहे थे मेरे को कि थोड़ा सा सफोकेशन में दिक्कत हो रही है, वेंटिलेशन में प्रॉब्लम है। आई थिंक मुझे वेंटिलेशन में इतनी खास कोई प्रॉब्लम लगी नहीं, बट हाँ थोड़ा बहुत माइनर सा प्रॉब्लम है जो ये ऑब्वियसली बहुत ही ईजीली ठीक हो सकता है। और गर्मी में तो आई थिंक दिक्कत होगी नहीं इस फैन की वजह से, और AC यही, क्योंकि सर्दियों में AC चलते नहीं है। अब जब AC चलते नहीं है तो थोड़ा बहुत, हाँ यार मैं समझ सकता हूँ कि थोड़ी बहुत आपको सफोकेशन या फिर वेंटिलेशन की फीलिंग आए, पर वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो नॉर्मल सी चीज़ है, वो वैसे ही ठीक हो जाती है। मैंने अभी आपको पहले बोला था यहाँ की लाइटनिंग बहुत अच्छी है, पर ये बेस्ट लाइटनिंग नहीं है, बहुत अच्छी लाइट्स है हर जगह से। थोड़ा सा मुझे जो लगा बहुत माइनर सा लगा कि लाइट्स इवन नहीं है, अगर क्योंकि मैं व्हाट आई थिंक इज कि अगर आप इस जिम में जाओ तो आपकी जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो लाइट्स होती है ना बहुत इवन होनी चाहिए। अगर आप यहीं पे आप लाइट्स बहुत बहुत अच्छी लाइट्स देख रहे हो तो आपको टिल द एंड अच्छी लाइट्स दिखनी चाहिए, तो उसमें एक्चुअली क्या फील गुड होता है, मज़ा आता है कि हम यार यहाँ भी खुश हैं, वहाँ भी खुश हैं, उस कोने में खुश हैं, हर कोने में, और हर कोने में हमें यू नो एक अच्छा सा मज़ा आता है अगर लाइट्स अच्छी हो तो। तो हाँ थोड़ा सा मुझे इशू लगा, थोड़ा सा हाँ बहुत जगह पे थोड़ी सी कम लाइट्स लगी। और एक चीज़ और है कि कुछ लाइट्स ना यहाँ पे सीधा फेस के ऊपर आती हैं और बहुत ज़्यादा तेज लगती हैं, थोड़ा वर्कआउट करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हाँ मेरे को मैनेजमेंट ने कहा है कि वो थोड़ा बहुत वर्क कर रहे हैं, क्योंकि दिस जिम इज़ वेरी न्यू, 2-3 दिन खुले हुए हैं, तो अभी तो 1 महीना तो जिम को लग ही जाता है कि यार अपने आप को थोड़ा बहुत संभालने में। हाँ वो एक दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो लाइट्स की, जो मैंने बोला कि वो ठीक कर देंगे। एक क्विक वर्जन ऑफ राइनोस जिम है, तो यहाँ पे ग्रुप क्लासेस का सेक्शन नहीं है। हाँ यहाँ पे आई थिंक कुछ एरिया है जहाँ पे 4-5 लोग अपना मिलके वर्कआउट ग्रुप वर्कआउट कर सकते हैं, वो ठीक है, बट एक ग्रुप सेक्शन नहीं है यहाँ पे। और इनके प्राइम वर्जन में ग्रुप सेक्शन होते हैं, ठीक है, और इनके प्राइम वर्जन में जो इक्विपमेंट सारा सेम होता है, ट्रेडमिल्स साइबेक्स की डालते हैं ये। और अगर मैं बात करूँ तो हाँ इनका सार सेक्शन है, शार्ट सेक्शन बहुत अच्छा शार्ट सेक्शन है। इनके प्राइम में स्पा सेक्शन होता है, मतलब विद स्टीम, यहाँ पे स्टीम नहीं मिलेगी आपको, बट हाँ मोस्ट प्रॉब्ली सिर्फ और सिर्फ अगर मैं आपको सही बोलूँ तो सिर्फ 5-7% लोग स्टीम यूज़ करते हैं, तो कोई क्यों अपना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करे। अगर अपना एक क्विक वर्जन डाल रहा है तो क्विक वर्जन के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन जिम है, और मुझे एक्चुअली में बहुत मज़ा आया यहाँ पर। एक दो चीज़ें बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, वो आई गेस जिम नया है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 1 महीने में अपने आप को बिल्कुल संभाल लेंगे। तो मैं आप लोगों से, नारायणा के लोगों से ये बोलना चाहूँगा कि नारायणा वालों, अब आपके एरिया में बहुत ही आपके एरिया में आपका बेस्ट जिम आ चुका है। मैं ये नहीं बोलूँगा सारे जिम खराब होते हैं, बट हाँ हर एक जिम की कैटेगरीज होती हैं। अब यार जिम हज़ारों खुले हैं लेकिन बेस्ट तो कोई ना कोई होता ही होता है, सर्विसेज से हो, किसी और चीज़ से हो, किसी और चीज़ से हो, ठीक है, बेस्ट जिम होता होता है, बड़ा जिम होता होता है।
अब आप इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो आपने चीज खोली है वो सब अच्छी खोली है, बट हमेशा अगर हम देखेंगे तो रैंक वन, रैंक टू, रैंक थ्री होता ही होता है कॉम्पिटिशन में अगर हम जाएं तो। कॉम्पिटिशन में ये जिम यहाँ का बेस्ट जिम खोला है और सबसे बड़ा जिम खोला है, 5000 स्क्वायर फीट का ये इन्होंने जिम खोला है, बिकॉज नारायणा में इतनी जगह स्पेस नहीं है कि आप बड़े जिम यहाँ खोल सको, तो इन्होंने यहाँ पे अच्छा जिम खोला है। हाँ, एक चीज़ और थोड़ी लगी मेरे को कि जब मैं एंट्री कर रहा था, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी नहीं बन रही है, यहाँ पे सर एक जिम ही खुला है, तो नीचे थोड़ा आपको खाली खाली सा एरिया दिखेगा, जो आने वाले टाइम में जब जिम खुली है तो आने वाले टाइम में आई गेस कोई ऑफिस खोल सकता है यहाँ पे, कोई रेस्टोरेंट खोल सकता है या कुछ भी खोल सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली मेरे हिसाब से 3-4 महीने में ये एरिया पूरा भर जाएगा। तो ये बताना चाहता हूँ, 8 महीने में इनके 8 जिम रेडी हो चुके हैं जो खुलने वाले हैं, ठीक है। इनके 2-3 जिम खुल चुके हैं। इनकी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप प्राइम में मेंबरशिप लेते हो तो आप कहीं भी वर्कआउट कर सकते हो, तो अगर आप क्विक में मेंबरशिप लेते हो तो आप 5 बार 1 महीने में इनके प्राइम में विजिट कर सकते हो, और प्राइम में विजिट करने का मतलब है आप वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हो, आप वहाँ पे स्टीम और सोना ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको स्टीम की ज़रूरत है ना तो आप इन्हीं के जिम में लो दूसरी जगह वर्कआउट करके, बट ये ईयरली मेंबरशिप में है। और अगर ईयरली मेंबरशिप की अगर मैं बात करूँ तो ये 16,500 में अभी अपनी मेंबरशिप बेच रहे हैं, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर फॉर दिस काइंड ऑफ जिम। और बट आप अगर मेंबरशिप आप अभी ले लोगे तो ठीक है, क्योंकि जिम नया खुला है, ठीक। और इस जिम की मेंबरशिप 18,000 है, 18,000 हो जाएगी इस जिम की मेंबरशिप आने वाले टाइम में, मैं मोस्ट प्रॉब्ली 1 महीने के अंदर। और अगर 18,000 में काउंट करूँ विद दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एवरीथिंग, और अगर नारायणा के अंदर ऐसा जिम नहीं है तो 18,000 इस जिम के लिए थम्स अप, रियली गुड, आप ज्वाइन करो। हाँ, की सबसे अच्छी चीज़ ये भी है कि यहाँ पे आपको वैले पार्किंग मिलेगी। नारायणा में पार्किंग की बहुत डिफ़िकल्टीज है, यहाँ पर आपको पार्किंग इजीली नहीं मिलती है, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने सॉल्व करने के लिए वो प्रॉब्लम यहाँ पे वैले पार्किंग रखी हुई है। और एक चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ की, लिफ्ट बहुत बड़ी है, तो आपको कुछ भी लेके आना ना ऊपर, और आपको लिफ्ट में लेटना भी हो तो आप लेट भी सकते हो, आपको 10-12 लोग भी लेके आने उठा के तो वो भी लेके आ सकते हो, तो आइए मज़ा आएगा। अब आ गया हमारा पागलपंती वाला टाइम, ठीक है, आपको जिम करना है करो, नहीं करना है मत करो, कुछ करना है करो, नहीं करना है मत करो, मत ही करो तुम जिम यार, तुम जिम कर ही नहीं सकते लोग, अगर तुम जिम कर लोगे ना तो तुम अपने पैसे बचा लोगे डॉक्टर के, और डॉक्टर फिर बोलेंगे यार हमारे पास तो आ ही नहीं रहे लोग, जिम मत करो यार। मैं तो बोलूँगा जिम करना बेकार है, जिम करने से ना लाइफ खराब होती है। अब क्यों जिम में 18,000 वेस्ट कर रहे हो, अब डॉक्टर में 1,00,000 रुपये वेस्ट करो, मज़ा आता मेरे को, मैं भी 1,00,000 रुपये वेस्ट करूँगा, मैं जा रहा हूँ यार, मैं नहीं जिम करूंगा आज से, मैं जा रहा हूँ 1,00,000 रुपये वेस्ट करने डॉक्टर के पास, यार डॉक्टर लोगों मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जाते जाते मैं हूँ अखिल सचर, कैमरामैन, क्या नाम है आपका, तरुण, कैमरामैन तरुण के साथ, और अब मैं आपको मिलाता हूँ कैमरामैन तरुण के, अगर ये नहीं होते तो ये वीडियो नहीं बनता, और ये वीडियो नहीं बनता तो मैं आपके सामने आता नहीं, और मैं आपके सामने नहीं आता तो मैं पता नहीं क्या करता। आओ तरुण भाई साहब, ये हमारे हैं तरुण, और ये यहाँ के जनरल ट्रेनर हैं। तो तरुण थोड़ा अपने बारे में बताइए, कैसे हैं यार? मैं अच्छा हूँ। अच्छे हैं, कैसा मज़ा आ रहा है आपको रैनस में? बहुत ही मज़ा आ रहा है, तो नारायणा का सबसे बड़ा जिम है, सो यहाँ पर फन भी है, अच्छा लगता है, यहाँ पर म्यूजिक बहुत अच्छा है यहाँ का, एंड स्पेस भी है, एंड यहाँ के मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, जो फ्रैंक है, प्रशांत तो नहीं करता ना मैनेजमेंट में? नो, यहाँ बहुत मैनेजमेंट कैसे है, मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, फ्रैंक है, बहुत मस्ती करते हम, अच्छा, एंड काम भी करते हैं, और ये तो कॉर्पोरेट ऑफिस है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस का मतलब है आपको काफी मजा आता होगा यहाँ पर? हाँ ये तो है, कॉर्पोरेट ऑफिस है तो एक प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट है ना, आखिरी में आप ही जाते हो? यस। तो फिर कितना सबसे ज़्यादा टाइम भी आप ही निकालते हो यहाँ पर? यस। तो क्या मतलब पहले कहाँ काम करते थे आप? सर मैं इससे पहले फिटनेस फर्स्ट में काम करता था। ओके, तो फिटनेस फर्स्ट से यहाँ पे ऐसा क्यों? फिटनेस तो बहुत बड़ा जगह है यार, बहुत बड़ा ब्रांड है। बस सर वो बहुत दूर पड़ता था, आई साउथ। तो अच्छा, ये आपके घर के पास भी है, इसलिए आप यहाँ पर आते हो? यस। ओहो, तो अच्छी बात है। तो मैं तो इवन मैं तो बोलूँगा कि यार सी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ऐप पर वर्क कर रहा हूँ और अपने एक स्टार्टअप पर वर्क कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको ट्रेनर्स को सही से जॉब मिले, ठीक है, क्योंकि जॉब का बहुत दिक्कत है यहाँ पे, कि लोग इंडस्ट्री की एवरेज है कि लोग दो महीने तीन महीने खाली बैठते हैं, बट आई वॉन्ट इज कि यार एक हफ्ते से ज़्यादा वो खाली नहीं बैठे, उनको सही टाइम पे सही जगह पे जॉब मिले। सही जगह पे तो जॉब मिल जाती है, सही टाइम पे जॉब मुझे चाहिए कि सही टाइम पे भी जॉब मिले और सही जगह पे भी जॉब मिले, क्योंकि दिल्ली में आपको पता ही है यार, दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में आपको पता ही है कि कितना ट्रैफिक होता है,
आई वॉन्ट की आप बचो और अपने आस पास जॉब करो, तो अपना एटलीस्ट आप ट्रैवलिंग का टाइम, अपना ट्रैवलिंग के पैसे वो सब बचा सकते हो। कैसा कैसा आइडिया है? सर बहुत अच्छा आइडिया है। पहले आप इतने ट्रैवलिंग में पैसे लगते थे आपके? यस बहुत बहुत पैसे लगते थे। अब तो मेरा नियर बाई ये जिम है, तो अब मैं वॉक इन भी आ सकता हूँ। ओके ओके, चलो गाइस, मैं अखिल सच्चर कैमरामैन तरुण के साथ चलते हैं, और अब आपसे अगले एपिसोड में किसी और जिम के अंदर बात करेंगे। टिल देन जाओ यहां से, चले जाओ यहां से, बाय। हाय, आई एम एट द राइनो जिम एंड इट्स अ ब्रिलियंट जिम। द ट्रेनर्स आर वेरी हेल्पफुल एंड द इक्विपमेंट्स आर वर्ल्ड क्लास, सो यू शुड कम हियर एंड हैव अ लुक एट इट एंड आई थिंक यू विल लव इट। Timing and the trainer is also available in every time, and it's a good environment, and the environment and the timing and the machine is very good in this gym. I love this gym. Nice timing and friendly environment. I love it. Timing badi achhi hai aur trainer hai na full supported hai yahan pe. Hello guys, let me tell you something about more about Rhino's gym. That why did I join Rhino's gym as a trainer, as a personal trainer? यहाँ की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, और यहाँ की एक खास बात मुझे लगती है कि यहाँ का एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल। और यहाँ पर हमने कम से कम 8 months में 8 branches खोल चुके हैं हम पहले राइनोस जिम की, एंड दिस इज़ अ वेरी ह्यूज ब्रांड एक्चुअली, आई वोंट कॉल इट इज़ अ चेन, इज़ अ ब्रांड। सो कम एंड लेट्स जॉइन राइनोस। यस, आई एम जॉइनिंग राइनोस जिम बिकॉज दिस जिम इज़ नियर बाई माई होम इन द रायना, and this brand is upcoming, very huge going. So, and I know this owner last 7 to 8 years. I know this brand is going very huge. I joining this brand, I know in this brand my career is going very high. So I'm joining this Rhino's gym. Thank you guys for watching this video. अब मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस और नए नए लेके आऊँगा, जिम्स के वीडियोस लेके आऊँगा और भी बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा, और मैं आपको बहुत ही जेन्युइन और ट्रू रिव्यूज़ दूँगा, ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूँगा, जो आपको आपको बताएंगे कि जिम कैसा है, ठीक है। एंड आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद एनी वन, बट यार हाँ, अगर आप ले सकते हो तो आप एक जेन्युइन रिव्यूज़ ले सकते हो, आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो, ठीक है। जाने से पहले मैं हर किसी को यही बोलता हूँ, बी मैड, बी कलरफुल, be honest, live your passion, and this is your only life, live your life, take care guys, and do whatever you want to do man, again Salman Khan ka dialogue maine copy kar diya, take care man, bye, love you।